क्रिकेट से जुड़ी किसी भी खबरों के लिए SB वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। नमस्ते दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने सोमवार को एक दिवसीय सुपर लीग शुरू की है, जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इसका लक्ष्य 50 ओवर के फॉर्मेट को अधिक लोकप्रिय बनाना है। ICC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेजबान भारत और सुपर लीग में शीर्ष पर रहने वाली अगली 7 टीमें सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। सुपर लीग की शुरुआत विश्व चैंपियन इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच सीरीज के साथ होगी। दोनों देशों के बीच एक दिवसीय सीरीज साउथैम्पटन में 30 जुलाई से खेली जाएगी। बाकी कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। ICC के संचालन ने आगे कहा, यह लीग अगले 3 साल में एक दिवसीय क्रिकेट को लोकप्रिय बनाएगी, क्योंकि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का क्वालिफिकेशन दांव पर लगा हुआ है। T20 क्रिकेट फल फूल रहा है, जबकि टेस्ट क्रिकेट को और बढ़ावा देना पड़ेगा। सुपर लीग में 13 टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें ICC के 12 सदस्य टीम और नेदरलैंड भी शामिल है। नेदरलैंड ने विश्व कप क्रिकेट सुपर लीग 2015-17 जीतकर सुपर लीग में जगह बना ली है। सुपर लीग में प्रत्येक टीम 3 मैचों की 4 श्रृंखला स्वदेश और 4 श्रृंखला विदेश सरजमी पर खेलेगी। जो 5 टीमें सुपर लीग में सीधे क्वालिफाई करने में विफल रहेगी, वे क्वालिफायर 2023 में 5 एसोसिएटेड टीम के साथ चुनौती पेश करेगी और इनमें से 2 टीम भारत में होने वाले 10 टीमों की विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। भारत में जो 2023 में विश्व कप होने वाला है, कुल उसमें 10 टीमें खेलेगी और इस एक दिवसीय सुपर लीग में प्रत्येक टीम को जीत के लिए 10 अंक मिलेगी, जबकि टाई और मैच अगर रद्द हो गया तो उसमें 5 अंक मिलेगी। हारने का कोई अंक नहीं मिलेगा। टीमों की रैंकिंग 8 सीरीज से मिले अंकों के आधार पर की जाएगी। 2 या अधिक टीमों के सामने अंक एक जैसे होने पर अभी नियम तय नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और क्रिकेट जगत से जुड़ी खास खबरों के लिए SBWorld YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।